नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों हमने एक वीडियो में टुकड़े प्लाई से स्टूल बना के दिखाया था, लेकिन इस वीडियो में यार पूरे प्लाई से स्टूल बना के दिखाएंगे। जैसा लकड़ी का स्टूल बनता है ना, सेम वैसा स्टूल आपको बना के दिखाएंगे, वही लुक दिखेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको गजब की जानकारी देंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। चलिए चालू करते हैं। तो दोस्तों हमने यार 13 इंच का एक पट्टा काट लिया है, यहाँ पे देख सकते हो 13 इंच का, ठीक है। और ये 13 इंच का बेस जो नीचे का बेस रहने वाला है वो 13 इंच रहेगा, ठीक है। अब इसमें से हम 18-18 इंच का चार टुकड़ा निकालेंगे इसमें से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चार टुकड़ा निकालते हैं फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने ये चार पीस काट लिया यार, देख सकते हो, ठीक है। ये 13 इंच बाई 18 इंच है, लेकिन इसमें से ना हमने दो को छोटा काटा है, देख सकते हो ये दोनों छोटा है। तो इसको कितना छोटा काटा है, इन दोनों का जितना मोटाई है दोस्तों, यहाँ पे ये एक इंच दो सूत का मोटाई है, तो इसको हमने एक इंच दो सूत कम कर रखा है, क्योंकि ये 13 है। तो यहाँ पर हमने 11-6 इसको काट रखा है, 11-6 बाई 18 ये है और 13 इंच बाई 18 ये है, ठीक है दोस्तों। इतना होने के बाद हमको सिंपल इसको एक इंच यहाँ ऊपर एक तरफ ऊपर बनाना है, ठीक है। जैसे ये अपना ऊपर है तो एक इंच इधर हम टेपर काटेंगे, इधर जीरो रखेंगे, ठीक है। तो सीधा तिरछा कर जाएगा दोनों तरफ से एक एक इंच, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल मैं इसको काट लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने इसको टेपर काट लिया, ठीक है। इधर से मैंने एक एक इंच दोनों साइड से कम कर दिया, इधर बेस हमने जीरो रखा, तो ये अपना 13 का 13 है और ये इधर हो गया 11 इंच, मतलब एक इंच इधर से काट दिया है टेप तिरछा, एक इंच इधर से। इसी तरह इन चारों को काटना है एक एक इंच, ठीक है दोस्तों। चलिए काटते हैं फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने चारों को टेपर काट लिया एक एक इंच, देख सकते हो ये दोनों जोड़ी अलग है और ये दो इससे छोटा है, ठीक है। अब इसमें सिंपल हमको क्या करना होगा दोस्तों, अपन क्या करेंगे 3 इंच में इधर से इसमें पहले निशान लगाएंगे इस टाइप से, ये इधर भी 3 इंच, सभी तरफ 3 इंच, तीन तरफ घुमा देंगे 3 इंच, और ये ऊपर से भी 3 इंच। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे इस धागा को अपन सिंपल सा एक लकड़ी के माध्यम से घुमा देते हैं। देख सकते हो दोस्तों मैंने धागा घुमा दिया 3-3 इंच, इधर से भी 3 इंच, इधर से भी 3 इंच, ऊपर से भी 3 इंच, ठीक है। ये ऊपर है, अब नीचे से इधर से दोस्तों अपन को क्या करेंगे, यहाँ पे अपन 3 इंच पे एक निशान लगा देंगे ऐसा, और एक 6 इंच पे, इधर भी एक तो 3 इंच पे और 6 इंच पे, ये अपन 3 इंच हो गया और ये हो गया 6 इंच। अब इन दोनों धागा को आपस में इससे मिला देंगे। अब देख सकते हो दोस्तों ये बिल्कुल अपना स्टूल का शेप हो गया। अब अपन को क्या करना है, ये इस पोर्शन को काट के निकालना होगा अपन को, और ये नीचे का ये वाला पोर्शन को काट के निकालना है, इत्ता को, इत्ता को निकालना होगा और ये बीच को काट के निकालना है कटर से। अब ये तो निशान हो गया दोस्तों, अब इसका दूसरा भी देख लीजिए, ठीक है। ये है अपना दूसरा वाला, ये छोटा वाला है ना, तो इसको ध्यान से निशान लगाना है ताकि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला वो यहाँ पर ऐसा जाके लगेगा तो सब साइज़ एक बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन ये प्लाई का मोटाई जो इधर कम करके नापेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल से प्लाई का मोटाई आप एक बार नाप लीजिए, तो ये अपना 5 ही सूत है, ठीक है दोस्तों। तो 3 इंच में 5 सूत कम करेंगे दोस्तों, इसमें 3 में 5 सूत कम करेंगे तो अपन क्या है 2 इंच 3 सूत पर निशान लगाएंगे इसको, 2 इंच, ये 3 सूत इधर हो गया, तो दोस्तों 2 इंच 3 सूत पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ वाले को ध्यान रखना है, यहाँ वाला सेम रहेगा ना, इसको हमको कम नहीं करना है, जैसे हमने उसमें लगाए थे 3 इंच और 6 इंच में लगाना होगा, ये हो गया 3 इंच और ये 6 इंच, ये 3 इंच, ये 6 इंच। अब सिंपल इसको धागा को घुमा देंगे। ये दोस्तों ये जो 3 इंच रहेगा और ये 3 इंच रहेगा, ठीक है। ये दोनों को बस को हमको कम करना है प्लाई के मोटाई के हिसाब से कम करेंगे, तो ये 2 इंच 3 सूत आया, ये 3 इंच है और ये 3 इंच है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों 3 इंच रहेगा, ध्यान रखना। सेम इसमें भी बीच को काट के निकालना होगा, ऐसा चारों में करना होगा, ठीक है दोस्तों। जो छोटा वाला है ना ये 2 इंच 3 सूत है, और इसे थोड़ा बड़ा वाला है ये 3 इंच रहेगा पूरा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसमें भी सब में मार्किंग लगा लेते हैं फिर काट के दिखाएंगे।
तो दोस्तों हमने फाइनली इसको काट लिया, देख सकते हो यार ये बिल्कुल ए बन गया। ठीक है, इसी तरह से इन चारों को भी आपको काटना है, तभी आपका स्टूल अच्छे से बन पाएगा। अब देख सकते हो बिल्कुल स्टूल के शेप में बन गए, बिल्कुल स्टूल ऐसा रहता है, ऊपर में टॉप लग जाएगा, ये नीचे का एक पार्टीशन लगता है वो हो जाएगा, इसी तरह चारों तरफ रहेगा। तो चलिए चारों को काट के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने चारों को देख सकते हो बिल्कुल ए शेप में काट लिया है, ए फॉर एप्पल शेप में चारों को। ठीक है, ये दो छोटा है और ये दो बड़ा था, जो इसमें 3 इंच काटे थे इस साइड को, और इसमें हमें एक प्लाई का दोनों तरफ से घटा दिए थे एक प्लाई का। ठीक है, अब इसके ऊपर सिंपल इसको आपको हमको ठोकना है, तो कैसे ठोकना है चलिए हम इसको ठोक के दिखाते हैं। तो सिंपल दोस्तों हमको एक छोटा वाला लेना है। ठीक है, छोटा वाले के ऊपर ही बड़ा वाला को हमको ठोकना है, इसको इस टाइप से आपको रख लेना है और सिंपल पहले इसमें फेविकोल लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये बड़े वाले को ना इसमें सिंपल ऐसा रखना है, देख सकते हो। अब इधर फेस को सामने बराबर करके इसमें कील मारना है। तो दोस्तों हमारा ये टेबल जो है ठोक के तैयार हो चुका है। दोस्तों इसको हमने ग्लेंडर भी मार दिया। ठीक है, अब इसका जो टॉप है वो 11 इंच इधर से इधर दोनों तरफ से 11-11 इंच बना है। ठीक है, और जो नीचे हमने 13 इंच बेस बनाया था उसको भी थोड़ा सा नाप लेते हैं। देखो यहाँ पे 13 इंच है, देख सकते हो, और यहाँ भी इधर से भी 13 इंच है। तो अपन क्या करेंगे इसके टॉप लगाने के लिए, सिंपल से हम 13x13 का एक प्लाई काटेंगे। तो सिंपल से हमने दोस्तों 13x13 का एक प्लाई यहाँ पे टॉप काट लिया है। ठीक है, देख सकते हो इस टाइप से, और ये है 13x13 का। अब क्या करेंगे अपन, 1 इंच पे हम सीधा यहाँ से मार्किंग करेंगे और इधर से भी 1 इंच मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद दोस्तों इसको हम इस धागा को दोनों तरफ से घुमा देंगे इस टाइप से। उसके बाद इसमें दो 20 नंबर कील मार देंगे इसमें, ताकि ठोकते समय ये फंस जाए, इधर उधर उधर न भगे। दोस्तों हमने 20 नंबर कील मार दिया। ठीक है यार, अब क्या करेंगे सिंपल से इसमें फेविकोल अपन लगा लेंगे। फेविकोल लगाने के बाद दोस्तों जिस साइड भी हो एक कोने में एक कील को हमको फंसाना है इस टाइप से। अब यह है जो है 1-1 इंच सभी तरफ से टॉप निकल चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें कील ठोकने के लिए 1 इंच का टॉप है और 5 फुट का अपना प्लाई का थिकनेस है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 1-1.5 फुट पर मार्किंग कर देंगे कील ठोकने के लिए, चारों तरफ से ऐसी ही मार्किंग कर लेना है। तो हमने मार्किंग कर दिया तो चारों तरफ धागा घुमा दिया। ठीक है, 1-1.5 फुट में। अब उसके बाद अब आपको कील ठोकना है इसी लाइन पे, तो बिल्कुल प्लाई में जाकर लगाओ, कील जो है अच्छे से चिपके रहे ना दोनों साइड से। तो दोस्तों फाइनली ये स्टूल बनकर तैयार हो चुका है। इसका हाइट मैं बताया था आपको, इसका हाइट है 18 इंच 6 सूत, मतलब 19 में 2 सूत कम है, क्योंकि हमने इसको 18 इंच में काटे थे और एक टॉप लग के 2 सूत कम हुआ 19 में। तो दोस्तों ये जो है हमने टुकड़े प्लाई में नहीं बनाया। ठीक है, इसको एक ही प्लाई में बनाया, यहाँ पे कहीं पे ज्वाइंट नहीं है इसमें भी, और चारों पाया में ज्वाइंट नहीं है। तो देख सकते हो, उधर से भी घुमा के दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हो। और ये जिसको हमने ये वाले बीच को कम काटे थे ताकि ये अंत में 3 इंच बन जाए इधर से लग के। ठीक है, तो एक प्लाई का घटा के दोनों साइड से हमने काटे थे इसको,
मतलब पौन पौन डेढ़ इंच घटा दिए थे, और इस साइड से भी देख सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। ऐसा ही वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। मिलते किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।